हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। बहुत 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 सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आया दैट मैम, आवर पेरेंट्स एब्सोल्युटली हेट के पॉप। उनको नफरत है के पॉप पे। अगर उन लड़कों को वो हमारी स्क्रीन पर देख लेते तो हमारे घर में महाभारत छिड़ जाती है, एकदम वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है। एंड वी अडोर देम। हम BTS आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं, वो बहुत अमेजिंग है, विच आई ऑल्सो अग्री। बट अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं दे हेट के पॉप। तो आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स को के पॉप से सख्त नफरत है। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी चीज के लिए फोर्स मत करो। अगर आपको वो फोर्स करने लग जाए, तुम लता मंगेशकर के गाने सुनो, तुम किशोर कुमार के गाने सुनो, तुम मोहम्मद रफी के गाने सुनो, तो तुम्हें कैसे लगेगा? ऑब्वियसली तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा, यू विल डिटेस्ट देम बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू द जनरेशन, बिकॉज यू डोंट कनेक्ट टू लता मंगेशकर और किशोर कुमार। इट इज वेरी सिमिलर फॉर योर पेरेंट्स। वो के पॉप वाली जनरेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। और जरूरी तो नहीं है कि हर एक बार हर एक चीज लाइक ही करनी है। क्यों ना वो धीरे धीरे आप उस रिलेशनशिप को शायद बिल्ड करने की कोशिश करिए। एक और चीज बिफोर आई एक्चुअली मूव टू द टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो पेरेंट्स डोंट केयर अबाउट के पॉप, दे डोंट केयर अबाउट ऑल दोज पीपल, दे डोंट केयर वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा गाना गा रहे हैं, दे केयर अबाउट यू। सो अगर एंड यू नो के पॉप इज गुड, वो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, दे मेक यू फॉलो इन लव विद योर सेल्फ, दे मेक यू फॉलो इन लव विद योर ओन बॉडी, दे मेक यू अ काइंडर बेटर पर्सन, दे यू नो दे जॉइन द आर्मी सो दे इंस्पायर यू टू डू बेटर। तो रादर देन टेलिंग योर पेरेंट्स बार 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 अबाउट के पॉप, वाई डोंट यू डू थिंग्स इंस्पायर्ड बाय के पॉप एंड देन टेल योर पेरेंट्स कि मैंने ये इसीलिए किया है बिकॉज के पॉप ऐसा करते, देन ऑटोमेटिकली के पॉप की जो इमेज है आपके पेरेंट्स की आंखों में वो चेंज हो जाएगी बिकॉज दे केयर फॉर यू एंड दे डू नॉट केयर फॉर के पॉप। मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, आप अगर सारा दिन आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके ग्रेड्स फॉल डाउन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, और सारा दिन आपको वो हेडफोन लगाकर के पॉप के गानों में यो यो करता हुआ पाएंगे, तो बट ऑब्वियसली बात है दे विल नॉट लाइक देम। उनको लगेगा ये हमारा बच्चा बिगड़ गया या हमारी बच्ची बिगड़ चुकी है अगर आपको वो के पॉप वाले, यू नो मैंने कितने बच्चों को देखा उनके गले में यहाँ पर वो के पॉप वाला लगा हुआ होता है। अगर वो सारा दिन आपको ऐसे ही देखेंगे आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपकी व्हाट्सएप फोटो पे, और आपके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं, सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। आपको पढ़ाई करनी बिकॉज दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपके पेरेंट्स इतने पैसे खर्च रहे हैं। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। आपकी पढ़ाई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए। अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो वो बढ़िया से चलनी चाहिए। उसके बाद आपको यू नो यू हैव टू टेक सम टाइम आउट एंड टेल देम कि अब पढ़ाई करने के बाद देखो मेरे नंबर ठीक आ रहे हैं, सब बढ़िया है, अब मेरा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का टाइम है। दैट इज व्हेन दे विल अंडरस्टैंड। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं बेटा, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि ये भी शायद बॉलीवुड टाइप का यू नो बैंड है, बेशरम रंग एंड ऑल दैट नॉनसेंस, और जो कई बार बहुत गलत बादशाह के सॉन्ग्स होते हैं एंड यो यो हनी सिंह के लिरिक्स वाहियात। कोई भी पेरेंट होगा, इनफैक्ट अगर मैं भी उनको सुनती हूँ, आई हेट दो सॉन्ग्स जिनका कोई सर पैर नहीं होता, फेविकॉल से एंड बीड़ी जलाई लेना, तो उनको क्या पता लग रहा हो ये भी सेक्सिस से सॉन्ग्स है, उस टाइप के सॉन्ग्स है। सो वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स इनके लिरिक्स सुने। जब आपके पेरेंट्स इनके लिरिक्स सुनेंगे तो उनको पता चलेगा दैट दीज सॉन्ग्स आर सो नाइस। तो अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट मेक श्योर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, आप इंस्पायर होकर उनके जैसा काम कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, एंड देन यू डोंट हैव टू नेसेसरीली फील कि आपके पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू फॉल इन लव, बट आई एम श्योर दे विल एक्सेप्ट। टेक केयर, इनको करिएगा जरूर, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा क्या यू नो कैसा रिएक्शन दिया आपके पेरेंट्स ने। ऑल्सो मुझे बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। टेक केयर, बाय।